दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बहुत ही खतरनाक होती है। जब चाहे, जैसा चाहे, कोई भी रूप धारण कर सकती है। हम लोगों के बीच में ही रहेगी, परंतु हम पहचान नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उस नाग की नागिन उसका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है, जब तक कि नागिन का बदला पूरा ना हो जाए। दोस्तों, इसी आधार पर घटित हुई एक घटना आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, ये घटना केवल 27 साल ही पुरानी है और एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई है। दिनकर नाम के व्यक्ति उस समय ग्वालियर के एक गांव में ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे। एक बार वो अपना ट्रक लेकर माल की डिलीवरी को निकल पड़े। रास्ते में अचानक उनके ट्रक के नीचे एक नाग आ गया और उसकी मौत हो गई। दिनकर को जब मालूम पड़ा कि उसने एक नाग की हत्या की है, तो उसने उस नाग को उठाकर पास की झाड़ी में फेंक दिया और घबराकर वहां से चला गया। बाद में जब उनके साथ काम करने वाले साथी वहां पहुंचे, तो उन्होंने पूछा कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो दिनकर बताते हैं कि मैंने एक नाग को मारा है, और सारी घटना उनको बता दी। सभी लोगों ने कहा, आपने ये बहुत गलत किया। उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने कहा कि दरअसल वहां कई दिनों से हमने भी नाग नागिन का जोड़ा देखा था। ये दोनों वहां पास की ही झाड़ी में रहते थे और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और अब नागिन शायद आपसे बदला जरूर लेगी। परंतु दिनकर ने ये सब बातें फालतू समझी और उस समय तो बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद दिनकर काम के सिलसिले में ग्वालियर छोड़ दिल्ली के सहादरा में ही रहने लगे और उस बात को भूल भी गए। करीब 9 साल बाद दिनकर अपनी जमीन बेचने के सिलसिले में ग्वालियर आए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। उसी दिन दोपहर को जब वह खाना खाने बैठे, तभी नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला लिया। दिनकर डर के मारे उछल पड़े और पास में ही ऊपर टंगी रस्सी पर लटक गए। करीब 2 घंटे तक रस्सी पर लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा फन झुकता हुआ नजर आया, तो उन्होंने झट से कूदकर पास में रखी अपनी साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वह बेहोश होकर रोड पर गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ एक कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की नजर उन पर पड़ गई, तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुंचे। इससे पहले दिनकर होश में आते, उन्होंने पीछे आ रही नागिन को देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब दिनकर को होश आया, तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास में पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफी बुजुर्ग था और जानकार भी था। वह जान गया था कि ये नागिन इस आदमी का पीछा क्यों कर रही है। उस बुड्ढे मजदूर ने दिनकर से कहा कि आपने इस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये नागिन आपका 7 जन्मों तक पीछा करती रहेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा, ये आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुके थे, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से इसका उपाय भी पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा, इसका अब एक ही उपाय है, आपको इस नागिन का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नागिन का भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। उन्होंने वैसा ही किया। अंतिम संस्कार के साथ ही 13 पंडितों को बैठकर खाना भी खिलाया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना।
धन्यवाद दोस्तों।